Good morning students, welcome to your own class. Today our subject is English, class 4, and our topic is sentences, building of sentences. पिछले वीडियो में हमने word building बनाए थे, शब्द बनाए थे. इस वीडियो में हम sentence बनाएंगे. So let's go and start. This is your book, my English book 4. And this is your page number 53 and unit 4. My English book 4, building sentences. जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो टेबल दिया गया है और एक एक में तीन तीन कॉलम हैं. तो सबसे पहले हम एक लेंगे, उसके बाद दूसरा लेंगे. So now let's start. Yes, so here building sentences. Choose one word phrase from each house and make meaningful sentences. प्रत्येक चौखट से एक शब्द या वाक्यांश चुनो और अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ. सो सबसे पहले यहाँ पे हम ये शब्दों को पढ़ लेंगे. The lion, the mouse, a cat, a dog, Amit, Nina, a few men, some children, slept, ran, jumped, climbed, walked, fell. Under the tree, to the wall, from the tree, a wall, on the wall, and on the mat. Okay? ये सारी जो क्रियाएं हैं बच्चों, ये सिंपल पास्ट टेंस की हैं, अर्थात भूतकाल की सेंटेंस हैं ये शब्द. और ये सभी नाउन हैं, संज्ञा, और ये सभी भूतकाल की क्रियाएं हैं. जैसे कि काल तीन होते हैं, आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल. तो वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस, और भविष्यकाल को फ्यूचर टेंस. तो यहाँ जो भी वाक्य हैं ये भूतकाल के वाक्य हैं. तो चलिए वाक्य बनाते हैं हम. यस, यहाँ सभी वाक्य भूतकाल में हैं. सामान्य भूतकाल अर्थात सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात यहाँ पर क्रिया के दूसरे रूप का उपयोग किया जाता है, जैसे कि sleep, slept, slept. ये क्रिया का पहला रूप है, ये दूसरा और तीसरा. बहुत सारी क्रियाओं में दूसरा और तीसरा रूप समान होता है. तो ये जो slept है ये भूतकाल में उपयोग किया जाता है. सेकेंड है run, ran, run. तो उसी तरह से भूतकाल का यहाँ पे क्रिया का दूसरा रूप है ran. मैं दौड़ा या मैं दौड़ा था, इसके लिए हम बोलेंगे आई रैन. और जब हमें बोलना है मैं दौड़ता हूँ तो आई रन, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा. जब मैंने कहा आई रैन मतलब मैं दौड़ा था, तो इसे भूतकाल यहाँ पर रैन की वजह से सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यू की जगह ए हो गया तो काल बदल गया. तो पास्ट टेंस में हम क्रिया के दूसरे रूप का उपयोग करते हैं. उसके बाद है जंप, जंप्ड, जंप्ड. आई जंप, मैं कूदता हूँ, वर्तमान काल हो गया मतलब प्रेजेंट टेंस. आई जंप्ड, मैं कूदा अर्थात मैं कूदा था. तो ये पास्ट टेंस का एक वाक्य हो गया आई जंप्ड. तो यहाँ पे इस टेबल में जो सारी क्रिया का उपयोग हुआ है ये है सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात वर्ब के दूसरे फॉर्म का उपयोग. चलिए सेंटेंस बनाते हैं. यस, द लॉयन स्लेप्ट अंडर द ट्री. शेर पेड़ के नीचे सोया था, जैसा कि आप पिक्चर देख सक रहे हैं. The lion slept under the tree. Now the next. The mouse ran to the wall. The mouse ran to the wall.
चूहा दीवाल की तरफ दौड़ा। एंड द थर्ड, अ कैट जम्प्ड ऑन द वॉल, बिल्ली दीवाल पर कूदी। अ कैट जम्प्ड ऑन द वॉल। अ डॉग क्लाइम्ड अ वॉल, अ डॉग क्लाइम्ड अ वॉल, कुत्ता दीवाल पर चढ़ा या दीवाल के उस तरफ गया। अमित वॉक्ड टू द वॉल, अमित दीवाल की तरफ चला या दीवाल की ओर गया, तो वॉक्ड अर्थात चला। नीना स्लेप्ट ऑन द मैट, नीना चटाई पर सो गई या सोई थी। नीना स्लेप्ट ऑन द मैट। बीता हुआ समय तो हम दिखा नहीं सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बाय ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर्स। ओके, सो नीना स्लेप्ट ऑन द मैट, नीना चटाई पर सोई थी। अ फ्यू मैन रैन टू द वॉल, अ फ्यू मैन, मैन यहाँ पे प्लूरल है बच्चों, इसका सिंगुलर होता है MAN, मैन अर्थात एक आदमी। अ फ्यू मैन मतलब कुछ लोग, कुछ आदमी। रैन, देखिए यहाँ पे रैन का यूज हुआ, रैन टू द वॉल। एंड द नेक्स्ट, सम चिल्ड्रेन जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, सम चिल्ड्रेन जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, कुछ बच्चे पेड़ से कूदे। सो जम्प्ड यहाँ पे क्रिया के दूसरे फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये है पास्ट टेंस के सेंटेंस। अब हम चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। चूज वन वर्ड फ्रेज फ्रॉम ईच हाउस एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हर टेबल में से एक शब्द या फ्रेज, फ्रेज अर्थात कुछ शब्द, तो यहाँ पे ये वाक्यांश है, इसको हम फ्रेजेस कहते हैं, मतलब शब्दों का, वाक्यों का एक अंश, पूरा वाक्य नहीं है, उसका टुकड़ा है। तो शब्द या वाक्यांश को लेकर मीनिंगफुल वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आई विल, वी विल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल और दे विल, ये सभी प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, विल ये भविष्यकाल की एक निशानी है, भविष्यकाल की सहायक क्रिया, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। जहाँ भी विल आया है आप समझ जाइए कि भविष्यकाल का वाक्य है, अर्थात गा गी गे, इससे हम पहचानते हैं कि वाक्य भविष्यकाल का है। मैं खेलूँगी, मैं सोऊँगी, मैं खाऊँगी, मैं लिखूँगी, जैसे कि आई विल सिंग, मैं गाऊँगी, वी विल प्ले, हम खेलेंगे, वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे, वी विल लीव, हम जाएंगे, यू विल वॉश, तुम लोग धोओगे, ही विल पेंट, वह पेंट करेगा, शी विल स्पीक, वह बोलेगी, इट विल राइट, यह लिखेगा, दे विल मेक इट, वे उसको बनाएंगे। तो ये सभी काम आने वाले समय में होने वाला है, न तो हुआ था न हो रहा है, इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आने वाला समय है, इसलिए समय भी देखिए भविष्यकाल का है। टुमारो मतलब आने वाला कल, टुडे मतलब आज करेंगे, टुनाइट मतलब आज रात को करेंगे, ऑन द डे आफ्टर टुमारो, जिसको आप परसों बोलते हो हिंदी में, टू डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद और दो दिन, ये कल के बाद एक दिन आगे, राइट। ऑन द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, और ये तरसों आप अक्सर बोलते हो, टू डेज आफ्टर टुमारो। एट वंस मतलब तुरंत करेंगे, सून मतलब शीघ्र या जल्दी करेंगे, और लेटर मतलब बाद में करेंगे। तो सून और लेटर, लेटर मीन्स बाद में करिए, एट वंस मतलब तुरंत, तो आप इसको अपोजिट भी समझ सकते हो, एट वंस मतलब तुरंत करना, लेटर मतलब बाद में करना। ओके, तो अब हम ये भविष्यकाल के वाक्य बनाएंगे, जैसे आई विल सिंग टुमारो, मैं कल गाना गाऊंगी,
वी विल स्टडी टुडे, हम आज ही पढ़ेंगे. यू विल लीव टू नाइट, तुम आज रात को निकलोगे. ही विल प्ले ऑन द डे आफ्टर टुमारो, वह परसों खेलेगा. शी विल वॉश टू डेज आफ्टर टुमारो, वह कल के बाद अर्थात कल के दो दिन बाद धोएगी. इट विल पेंट एट वंस, वह अभी ही तुरंत पेंट करेगा. दे विल स्पीक सून, वे जल्दी ही बोलेंगे. दे विल राइट सून, वे जल्दी ही लिखेंगे. दे विल मेक इट लेटर, वे इसको बाद में बनाएंगे. तो इस तरह से बहुत ही सरल भविष्यकाल का सेंटेंस आप बना सकते हो, वो भी ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो. जैसे वी विल से ही हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं. जैसे वी विल सिंग टुमारो, वी विल सिंग टुडे, वी विल सिंग टुनाइट, वी विल सिंग ऑन द डे आफ्टर टुमारो, वी विल सिंग टू डेज आफ्टर टुमारो, वी विल सिंग एट वंस, हम तुरंत गाएंगे. वी विल सिंग सून, हम शीघ्र ही गाएंगे. वी विल सिंग लेटर. इस तरह से एक एक प्रोनाउन के साथ हम सारे वर्ब और सारे इन समयों को हम लेकर ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स समझ लें हम. यस, सो मेकिंग ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे आई विल सिंग टुमारो, वी विल प्ले टुडे, ही विल पेंट इट लेटर, वह उसको बाद में पेंट करेगा. शी विल लीव ऑन द डे आफ्टर टुमारो, वह परसों जाएगी. लीव अर्थात छोड़ना, अर्थात किसी जगह को छोड़ना. तो शी विल लीव ऑन द डे आफ्टर टुमारो, वह परसों जाएगी. शी विल स्पीक एट वंस, वह तुरंत बोलेगी. नाउ द नेक्स्ट, वी विल स्टडी टुडे, हम आज पढ़ेंगे. यू विल लीव एट वंस, तुम तुरंत जाओगे. ही विल प्ले टुमारो, वह कल खेलेगा. ही विल वॉश लेटर, वह बाद में धो लेगा. दे विल मेक इट टू डेज आफ्टर टुमारो, वह तरसों अर्थात कल के दो दिन के बाद बनाएगा. सो दे विल मेक इट टू डेज आफ्टर टुमारो. यस, यहाँ पर जो भी वाक्य अभी हमने पढ़े वे सभी वाक्य भविष्यकाल में हैं. भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस में विल सहायक क्रियापदों का उपयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है गा गी गे. इनमें क्रिया के पहले रूप का उपयोग होता है. ये देखिए, पहला रूप है सिंग, सैंग, संग. अगर पास्ट टेंस होता तो सैंग का उपयोग होता, लेकिन ये फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों में ही क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है. अर्थात वर्तमान काल और भविष्यकाल में क्रिया के तीन रूपों में से पहले रूप का उपयोग होता है, सिंग, स्टडी और लीव. आई सिंग, मैं गाती हूँ. आई विल सिंग, मैं गाऊंगी. I sang, मैंने गाया था. फिर है study. I study केवल हमने बोला मतलब मैं पढ़ती हूँ. I will लगा दिया हमने. I will study मतलब मैं पढ़ूंगी. और I studied कह दिया मतलब मैंने पढ़ा था. तो भविष्यकाल में हम इन लाल अक्षरों में दिखाए गए क्रिया के पहले रूप का ही उपयोग करते हैं. I will leave, I will study, I will sing. मैं गाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं जाऊंगी, इस तरह से. अब तीनों रूपों का एक बार रीडिंग कर लें. Sing, sang, sung. Study, studied, studied. Leave, left, left. Okay, now the next question. Now try to add the following words to your sentences to
टू मेक बिगर एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन शब्दों का उपयोग करके आपको मीनिंगफुल वाक्य तैयार करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला है दिस प्लेस, आई विल लीव दिस प्लेस टुमारो, मैं यह जगह कल छोड़ दूंगी। दे विल प्ले अ गेम टुनाइट, अ गेम यहाँ पे आया, दे विल प्ले अ गेम टुनाइट, वे लोग आज रात को ये गेम खेलेंगे। अ फ्यू लाइन्स, आई विल राइट अ फ्यू लाइन्स टुडे, मैं आज कुछ लाइन लिखूंगी। दिस लेसन, आई विल स्टडी दिस लेसन टू डेज आफ्टर टुमारो, दो दिन के बाद मैं यह लेसन पढ़ूंगी। नाउ द वर्ड्स आर अ सॉन्ग, द ड्रम, अ पिक्चर, माय क्लोथ्स, अ स्टोरी। यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल सिंग अ सॉन्ग ऑन टू डेज आफ्टर टुमारो, अ सॉन्ग आ गया। देन वी विल सी अ पिक्चर सून, हम जल्दी ही एक पिक्चर देखेंगे। माई क्लोथ्स आर वेट नाउ, मेरे कपड़े अभी गीले हैं। अ स्टोरी, आई विल रीड अ स्टोरी टुडे। यस, अब हम कुछ डिक्टेशन वर्ड्स देख लेते हैं। समय के बारे में जब भी हमें वाक्य बोलना हो तो इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। जैसे टुडे मतलब आज, टुमारो आने वाला कल, टुनाइट आज रात, द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, एट वंस मतलब तुरंत, सून अर्थात शीघ्र या जल्दी, और लेटर मतलब बाद में। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।